आज के समय में लगभग गांव हो या शहर, हर जगह महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसके वास्तविक मायने कितने लोग समझ पाते हैं ये कहना बेहद मुश्किल है। आने वाले समय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस दिशा में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मुंबई के गोरेगांव स्थित इश्मा वेलनेस सेंटर में वाव विनर्स ऑफ वर्थिनेस अवार्ड के लिए वो सभी महिलाएं यहां मौजूद थी जिसके लिए उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। आपको बता दें, महिलाओं के सम्मान में पुरस्कार वितरण 9 जून को किया जाएगा। महिलाओं के लिए इस पुरस्कार समारोह का आयोजन शोभा आर्या ने किया है, जो खुद एक एनजीओ चलाती हैं और एक मजबूत महिला के तौर पर खुद को साबित कर चुकी हैं। ये अवार्ड पिछले 2 सालों से उन महिलाओं को दिया जा रहा है जिन्होंने हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। शोभा आर्या ने हमें बताया कि महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और उनके काम को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत करने का ख्याल उनके दिमाग में कब आया। आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, और 50 ईयर्स में जो मैंने लाइफ चैलेंजेस देखे हैं, जो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जो डिप्रेशंस देखे हैं, वो सब के बावजूद आज मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन समझती हूँ। और मेरे जैसी बहुत सारी वुमेन हैं इधर, जो लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने चैलेंजेस को फेस करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फिज़िकल चैलेंजेस, डिप्रेशन, उसके बावजूद वो लोग अपना गोल नहीं छोड़ते। साथ ही शोभा आर्या ने हमें ये भी बताया कि वो अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी कुछ झेल चुकी हैं, लेकिन आज अपनी मेहनत और परिश्रम के बदौलत उन्होंने इस पुरुष प्रधान समाज में खुद की एक पहचान बनाई है। वाव, ये मैंने अपने आप को जहन में रखते हुए ये वाव शब्द का इन्वेंशन किया। इन्वेंशन तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वाव ऑलरेडी है, लेकिन विनर्स ऑफ वर्दीनेस ये नाम मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि मैं खुद को अपने आप में एक विनर देखती हूँ। डॉक्टर उमा रेले, जो कि नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें ये अवार्ड लेकर काफी खुशी महसूस हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारे भारतीय समाज में इसको कितनी मान्यता मिल रही है यह अनुसंधान करना बेहद कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि अपने अस्तित्व और पहचान को लेकर महिलाएं लगातार प्रयास कर रही हैं। औरतें मतलब शक्ति है, और हमारे यहाँ हिपोक्रेसी चलती है, जहाँ पे एक जगह पे आप बोलते हो औरत मतलब शक्ति है और एक जगह पे इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, मगर ये करने वाले हम ही हैं ऐसे मुझे लग रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन का सवाल नहीं है, अगर आप अच्छे, आप सही ढंग से आपका करियर में करते हो तो कहीं ना कहीं लोग आपको नोटिस करते हैं, वेदर आप औरत हो या नहीं हो, ये भी एक सही बात, ये भी पहलू है। यंग डाइटिशियन दृष्टि बिजलानी को भी वाव वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड उनके काम के लिए दिया जा रहा है, जिसे लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। दृष्टि का साफ तौर पर कहना है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे जरूरी है लड़कियों के शिक्षा स्तर पर काम किया जाए, और उसके साथ ही हर महिला का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एज आई सेड आई एम फीलिंग रियली हैप्पी एंड या आई थिंक आई एम जस्ट विनिंग द टाइटल ऑफ विनर्स ऑफ वर्दीनेस एज द बेस्ट डाइटिशियन एंड आई एम फीलिंग रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। वुमेन को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, जैसे कि अगर कोई अलग मेडिकल कंडीशन हो, जैसे कि PCOS हो जिसके लिए वेट लॉस चाहिए, अगर मेनोपॉजल हो तो उनको अपना कैल्शियम, विटामिन डी सब ध्यान में रहना चाहिए। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी आप कर रहे हो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत हेल्दी खाएं। जासमी दोषी, जो कि पेशे से एक टैरो कार्ड रीडर हैं, उन्हें भी इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। उनका कहना है कि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की अवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। It's really authenticating your wisdom and feeling really happy. As I said, woman already empowered है, उसको motivate करने की ज़रूरत है, और ये काम ये team कर रही है, जो motivation मिलता है उससे काम करने की ज़्यादा इच्छा होती है। कल्याणी कामली और अमीषा टीशा, इन दोनों को यंग वुमेन का अवार्ड दिया जा रहा है, जहां इन दोनों ने अवार्ड्स को लेकर अपनी खुशी जाहिर की और साथ ही ये भी कहा कि हमारा देश बदल रहा है, लोगों का महिलाओं के प्रति नजरिया बदल रहा है। ऐसे में ये कहना कि महिला सशक्तिकरण महज कागजों पर है तो वो गलत होगा। वुमेन आर पावरफुल ऑलरेडी, द पावर इज विद इन देम, हमारे अंदर ही पावर होती है, इट्स जस्ट दैट वुमेन हैव टू रियलाइज दैट दे आर पावरफुल एंड दे शुड ब्रिंग इट आउट, एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट एंड आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग। मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट सेशंस करती हूँ, मेरे इंडिविजुअल क्लाइंट्स भी है, कॉन्स्टेंटली मैं वुमेन एम्पावरमेंट फील्ड में काम करती रहती हूँ फॉर वुमेन टू फील पावरफुल एंड एम्पावर्ड अबाउट देम सेल्व।
बहुत बहुत एनकरेज करता है, बहुत सारी बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को एनकरेज करता है, बहुत सारे वुमेन को एनकरेज करता है, जैसे कि मुझे एनकरेज किया, मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मुझे खुद को इतना इंस्पायर कर रहा है कि आई वुड वॉन्ट कि जितना मैं इंस्पायर हो रही हूँ इतना ही उतना ही और भी लोग इंस्पायर हो और भी वुमेन इंस्पायर हो। सोशलाइट गुरप्रीत कौर चड्ढा इस पुरस्कार समारोह में खास मेहमान के तौर पर नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं हैं, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश के गांव खेड़े की महिलाएं आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। See, for me, women empowerment is a very sensitive issue which every man, everybody on this planet Earth should think about it. Because normally what happens is that the place where we are staying, generally it's a male chauvinist country. So women are always taken aback. So I feel that women empowerment, such kind of award functions, such kind of things give big platform to women to come forward and showcase their talent. So I'm very happy that women empowerment is this sensitive issue is taken so seriously by WOW and Bliss Equity magazine. और भी कई महिलाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिनमें कोई टीचर है तो कोई एक्टर, लेकिन इन सभी महिलाओं का यही कहना है कि महिला सशक्तिकरण आज के समय की सबसे बड़ी मांग है, जिसे महिलाएं अपने दम और वजूद से ही पा सकती हैं। ये जरूर है कि पहले की अपेक्षा महिलाओं की दशा पर सुधार तो हुआ है, लेकिन इन महिलाओं ने साबित किया है कि आगे बढ़ने के लिए काबिलियत के साथ साथ आत्मविश्वास का होना भी उतना ही जरूरी है। इन महिलाओं की प्रगति और तरक्की से एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगी है कि अगर महिलाओं को मौका दिया जाए तो वो किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकती हैं। लेकिन इससे ये बात भी छिप नहीं सकती कि अभी भी देश की आधी आबादी अपने अनेक अधिकारों से वंचित है। कैमरामैन FS पटेल के साथ पूनम यादव, इन 24 न्यूज़, मुंबई।